पैकेट टाइप इग्निशन जो है वो एक अलमारी की तरह खड़ी हालत में होगा और वो 5 टन के, 7.5 टन के, 10 टन के, 15 टन के, 20 टन के साइज में आते हैं। शक्ल कई जगह मुख्तलिफ बनाई जाती है लेकिन आम हालत में वो खड़ी हालत में आते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो बड़े सुपर मार्केट्स के अंदर कर लेते हैं, मस्जिद में कर लेते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, गुरुद्वारे में कर सकते हैं, जो खुली स्पेस है वहाँ पर इसको लगाया जा सकता है। इसके ऊपर वाला साइड जो है उसमें फ्लैट पर फिस्टा इवेपोरेटर होगा, साथ ब्लोअर लगा होगा, ब्लोअर लगा होगा। तो इस तरीके से इसने नीचे से जो कंप्रेसर साइड है उधर से इसने एयर लेनी है, ऊपर से दे देनी है, तो थ्रो जो है वह काफ़ी दूर तक इसकी जाएगी और जो हाल कमरे हैं उनको ठंडा किया जाएगा। नीचे वाले साइड पर कंप्रेसर फिट होगा, जो कंप्रेसर जो है वो सेमी शील्ड कंप्रेसर जो है उसका इस्तेमाल होगा, साथ कंडेंसर लगा होगा, कंडेंसर का फैन होगा। अब इसके लिए शर्त ये है कि जहाँ पर आपने दीवार के साथ लगाना है, दीवार की जो बैक साइड है वो खुली होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, बाहर से हवा ले बाहर ही भेज दे, बाहर से हवा ले बाहर ही भेज दे। ऊपर ऐसा दीवार के साथ लग जाएगा, कमरे की हवा लेनी है, कमरे के अंदर ही भेज देनी है। इस तरीके से वो इस तरीके से सिलसिला चलेगा। ये तो वो हैं जो 5 टन के हैं, 7.5-10 टन तक जो हैं वो ऐसे लगे होंगे। जो बड़े होंगे उनका जो कंडेंसर होगा वो पानी वाला कंडेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें शैलन ट्यूब या शैलन कॉइल कंडेंसर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बाहर कूलिंग टावर का होना ज़रूरी है। लेकिन जो छोटे हैं उनके साथ कूलिंग टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आम इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा जो है वो पीछे दीवार या उसको कटिंग कर लेते हैं, वहाँ सरिया वगैरह लगा लें, ऐसी चीज़ लगा लें ताकि कोई जान वगैरह ना आ जाए, कोई चोरी ना करे, उसको डैमेज ना कर दे, सिर्फ हवा ऐसे साथ लगा देना, बिल्कुल रबड़ चारों तरफ लग जाए और हवा जो बाहर की हवा अंदर ना आए, अंदर की हवा बाहर ना जाए, इस तरीके से बिल्कुल साफ लगा देना है। इसके ऊपर की तरफ पैनल बोर्ड जो है उसके ऊपर ही थर्मोस्टेट होगा, उसके ऊपर ही सेक्टर स्विच लगा होगा, पंखे की हवा तेज़ करनी है, स्लो करनी है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है, उससे कमरे का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होगा, देखना कितना टेम्परेचर रखना है, थर्मोस्टेट को 2 नंबर रखना है, 3 पर रखना है, 4 पर रखना है, अगर कूलिंग ज़्यादा लेनी है तो थर्मोस्टेट को बढ़ा देना है, कंप्रेसर ज़्यादा देर चलेगा, सेमी शील्ड कंप्रेसर लगा होगा, ज़्यादातर सेमी शील्ड कंप्रेसर होगा। और कंडेंसर जो है फ्लैट कॉइल फिंस टाइप है, उसने बाहर से हवा लेनी है जो कंप्रेसर को टकराएगी और कंडेंसर को टकराकर बाहर चले जाएगी। इस तरीके से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट जो है वो कंडेंसर को जाएगी, कंडेंसर में जाकर अपनी हीट खारिज करेगी, वेपर से लिक्विड हालत में आएगी, उसके बाद जो है आगे छोटा सा लिक्विड सीवर लगा हुआ है, उसके आगे फिर ड्रायर चूड़ियों वाला ड्रायर होगा, उसके आगे साइड ग्लास होगा, उसके आगे एक्सपेंशन वाल होगा, वहाँ कैप ट्यूब भी होगी, थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल, जितने भी पैकेट ऑफ यूनिट हैं तमाम के अंदर थर्मोस्टेट एक्सपेंशन वाल इस्तेमाल होगा और कोई रेफ्रिजरेंट कॉइल इस्तेमाल नहीं होगा। वहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वो थर्मो एक्सपेंशन वाल के जरिए इवेपोरेटर में आएगी, इवेपोरेटर के कॉइल साइड ठंडे होंगे और गर्मी जज़ब करने के बाद बुखारात में दोबारा फिर कंप्रेसर में चले जाएगी। सर्किट सिस्टम वही है, सर्किट वही है, ठीक है। तो ये पैकेट टाइप यूनिट जो है ये ज़्यादातर 3 फेज हैं, उनका जो सेमी शील्ड कंप्रेसर है उसकी जो मोटर है उसको 3 फेज ही लगेंगे, डेल्टा कनेक्शन के अंदर होगी, जो उसके ब्लोअर हैं वो सिंगल फेज में होंगे, एक न्यूट्रल फेज मिलेगा। इस तरीके से वो ब्लोअर सिंगल फेज पे हैं, यानी जो कंप्रेसर फैन है वो भी सिंगल फेज पे है, जो उसका ब्लोअर है वो भी सिंगल फेज पे है, ये सिंपल है। तो इस तरीके से अलमारी एक साइड पे रख देते हैं। अब फिटिंग करने वालों को ये देखना है कि कहाँ इसको फिट करना है जहाँ पर पूरी जगह जो है ठंडी हो जाए, पूरी ठंडी हो जाए, और इस तरीके से फिट करना ताकि कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। जैसे फ़र्ज़ करें एक मस्जिद में फिट कर रहे हैं, उसकी जो थ्रो है वो नमाजियों के चेहरे पे ना पड़े, जैसे इधर लगाया हुआ है, इधर नमाजी खड़ा है, उसको थ्रो लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है, और वो थ्रो जो है वो इधर वाले नमाजी रोक रहे हैं, अगले नमाजियों को ठंडक बूंद से मिल नहीं रही, इनको ज़्यादा सर्दी लग रही है,
तो उसको इतना ऊंचा होना चाहिए कि जो 6 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए, 6 से 6.5 फुट, ताकि लोगों के सरों से ऊपर गुजर जाए, आखिर तक वो पहुंच जाए। ऐसे ही अगर मंदिर है, उसको गौर करें कि मंदिर किस तरीके से बना हुआ है, वहां पर जो लोग इबादत के लिए आए हैं वो डिस्टर्ब ना हो। गुरुद्वारे में अगर लगाना है, इस तरीके से लगाएं कि वहां पर जो भाई पहुंचे हुए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, यानी उसकी हाइट ऊपर कर लेनी है। ऐसे कुछ गलती से विंडो ऐसी जो उसकी फिटिंग गलत कर लेते हैं, जैसे फर्ज करें इधर इमाम साहब खड़े हैं, पीछे नमाजी खड़े हैं, विंडो ऐसी सामने लगाए हुए हैं, थ्रो उसी दी पहली जो कतार है उसको लग रही है, वो बेचारे सर्दी से कांप रहे हैं, पीछे वाले जो हैं उनको ठंडक मिल नहीं रही। वो जितनी हाइट एक आम आदमी की है 5.5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, तो 6 फुट से ऊपर उसको लगाएं, ताकि थ्रो आगे तक चले जाए। ये पैकेट टाइप एसी की फिटिंग का असूल है, याद रखिएगा। और अगर वो बड़ा पैकेट टाइप है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके साथ बाहर कूलिंग टावर लगाना जरूरी है, ताकि पानी जो है, कंडेंसर का पानी जो है, वो कूलिंग टावर में आम हवा में हीट खाली कर दे और कंडेंसर ठंडा होता रहे। ये है पैकेट टाइप, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल है, सादा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फिटिंग भी कोई मुश्किल नहीं है। एक जगह अलमारी को रख देना है, सिर्फ दीवार पीछे से खाली करनी है, ये याद रखिएगा।